वेल फ्रेंड्स, तो बहुत ही बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं 1994 पर एक और मूवी थी जो कि अनरिलीज्ड और सील्ड रह गई, यानी कि वो मूवी कभी रिलीज नहीं हुई। 1994 पर एक मूवी का अनाउंसमेंट हुआ था, हमने तुमको देखा। बहुत सारे लोगों ने आई थिंक सुना होगा और बहुत सारे लोगों को इस मूवी का वेट भी होगा। इस मूवी की अगर हम स्टार कास्ट और डायरेक्टर की बात करें तो वाकई में आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि ये मूवी अगर रिलीज़ होती तो एक हिट और सुपर हिट मूवियों में से एक होती। इस मूवी की अगर हम डायरेक्टर की बात करें तो इस मूवी पर डायरेक्ट कर रहे थे राजू खान, और जो प्रोड्यूसर थी, प्रोड्यूसर खुद सरोज खान थी। अगर हम बात करें इस मूवी की तो ये मूवी एक रोमांटिक लव स्टोरी हो सकती थी, और इस मूवी पर जो स्टार कास्ट थी वो बड़ी दमदार थी, जिस पर कि आप लोगों को 90s के टाइम की सबसे मन पसंदीदा हीरोइन माधुरी दीक्षित और अजय देवगन, जो दो मेन स्टार कास्ट में आप लोगों को दिखाई देने वाले थे। और इसके साथ ही आप लोगों को अतुल अग्निहोत्री और अंजलि जेठार दिखाई देती। और वाकई में अगर बात करूँ इस मूवी की तो उस टाइम के हिसाब से अगर ये मूवी अगर रोमांटिक लव स्टोरी मूवी रिलीज़ होती तो 1991 और 1994 के आसपास अगर आप देखें तो उस टाइम माधुरी दीक्षित को सबसे ज़्यादा पसंदीदा लोग थे और अजय देवगन उस टाइम स्टार्टिंग कर रहे थे। अगर ये मूवी रिलीज़ होती तो जब उनका फर्स्ट मूवी था फूल और कांटे, वो मूवी जब सुपर हिट होने के बाद ये मूवी रिलीज़ होती तो आई थिंक ज़रूर सुपर हिट होती। आप लोग को क्या लगता है कि इस मूवी को क्या हमेशा अनरिलीज या सील्ड रह जाना था, या इस मूवी को रिलीज़ हो जाना था? अगर आज के टाइम पर इस मूवी की कहानी को लेकर एक बार फिर से प्रदर्शित करते हैं तो आई थिंक ये मूवी हिट होगी या सुपर हिट होगी ये नहीं पता, लेकिन आज के टाइम पर जो अजय देवगन कमाल करके दिखा रहे हैं, आई थिंक ऐसे बहुत ही कम एक्टर्स हैं इंडस्ट्री पर, और देखा जाए तो उनकी हर एक मूवी हिट और सुपर हिट होती हुई दिखाई दे रही है। तो आप लोग को क्या लगता है, क्या वाकई में हमने तुमको देखा को रिलीज़ हो जाना चाहिए था 1994 में? प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, और ये भी बताइएगा कि आप लोगों को भी अगर किसी वीडियो पे यानी अनरिलीज्ड वीडियो पर चर्चा चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए। वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो लाइक कीजिए, और ज़्यादा अच्छे लग रहे तो शेयर कीजिए। अगर नहीं अच्छा लग रहा तो डिसलाइक करके मैं चलता हूँ, आपसे विदा लेता हूँ। बाय बाय, आपका दोस्त अमित मिश्रा।